हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बहुत तरह के कोर्सेज करने पड़ते हैं। देन उसके बाद सीटेट करना पड़ता है। सीटेट में भी अगर आपको पीआरटी टीचर बनना है, प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है, तो आपको पेपर वन पास करना पड़ेगा। टीजीटी टीचर बनना है तो उसके लिए पेपर टू पास करना पड़ेगा। अगर आपको पीजीटी टीचर बनना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करनी पड़ेगी। यानी बहुत सारी चीज़ें होती है। यानी कि अगर आपको टीचिंग की फील्ड में करियर बनाना है तो आपको वेरियस आपको कोर्स करने पड़ते हैं और बहुत सारा एक टाइम डिवोट करना पड़ता है अपनी लाइफ का, तब जाके आप टीचर बन सकते हो। लेकिन आपको पता है, एक ऐसा भी फील्ड है टीचिंग के अंदर जिसे आप जस्ट अपनी ग्रेजुएशन के बाद भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। यानी कि आपको कोई बीएड, बीएलएड, डीएलएड किसी भी टाइप का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आप उसके टीचर बन सकते हो। मैं आज के इस वीडियो में बात कर रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनने के बारे में। तो अगर आपको पीटी टीचर बनना है, फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर बनना है स्कूल के अंदर, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा करियर है। आपको पता होगा, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सबके अंदर एक पीटी टीचर यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। स्पोर्ट्स टीचर भी इसे कहते हैं, स्पोर्ट्स टीचर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। ये जो मिनिस्ट्री, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसकी गाइडलाइंस है कि हर स्कूल में कम से कम एक या दो फिजिकल एजुकेशन के टीचर, स्पोर्ट्स टीचर होने मैंडेटरी है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। तो अगर इसके करियर की बात करें तो इसका करियर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अगर आपको फिजिकल एजुकेशन के अंदर इंटरेस्ट है, अगर आप फिजिकल एजुकेशन के अंदर यानी स्पोर्ट्स के अंदर अगर अपना करियर अगर आप देखते हो और आप इस करियर को टीचिंग के अंदर ले जाकर के एक्सटेंड करना चाहते हो, तो आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिना बीएड के, बिना डीएलएड के, बिना किसी जेबीटी, बीटीसी या किसी भी फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या कोई भी टाइप की बीएड बिना किए आप डायरेक्ट टीचर बन सकते हो जस्ट अपने ग्रेजुएशन के बाद। तो कैसे पीटी टीचर यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिसे स्पोर्ट्स टीचर भी कहते हैं, कैसे बना जाता है, उसके बारे में हम इस क्लास में, इस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कैसे हम पीटी टीचर यानी कि जो स्पोर्ट्स टीचर है वो बन सकते हैं। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर जो मैंने आपके सामने नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, जो आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो पूरी चीज़ रखी है, मैं अपनी मन से नहीं बता रहा हूँ कुछ भी, ये ऑफिशियल DSSSB की नोटिफिकेशन में मेंशन है कि अगर आपको पीटी टीचर बनना है, फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनना है यानी कि स्पोर्ट्स टीचर बनना है, तो ये आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। सबसे पहले बात, अगर आपको नहीं पता DSSSB के बारे में तो मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, खासतौर से टीचिंग से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट का काम किया जाता है दिल्ली के अंदर, वो DSSSB के द्वारा संभाला जाता है, किया जाता है। तो DSSSB जो है, उन्होंने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बताया था कि अगर आपको पीटी टीचर बनना है, स्पोर्ट्स टीचर बनना है, तो ये अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। क्लियर है? तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात, एक चीज और मैं यहां पर क्लियर कर दूं, स्पोर्ट्स टीचर की रिक्वायरमेंट जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, बहुत ज्यादा होती है। और सबसे बढ़िया चीज, इसका पे स्केल बहुत अच्छा होता है। आपको जान के हैरानी होगी, अगर आप इसके पीटी टीचर के पे स्केल की बात करें तो इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है 45,000 से स्टार्ट होती है। 45,000 कम नहीं होती है। आप जस्ट ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद अपना करियर स्टार्ट करो, वो भी 45,000 सैलरी के साथ पर मंथ, तो कोई छोटा अमाउंट नहीं है। एक स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा अमाउंट माना जा सकता है। क्लियर है? तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है पीटी टीचर बनने के लिए यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी स्पोर्ट्स टीचर बनने के लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है, आपने बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट कर रखा होना चाहिए। मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता चलता हूँ आंसर, ताकि आप समझ सको इन चीज़ों को। सबसे पहले क्या है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन आपने कंप्लीट कर रखा होना चाहिए। आपको पता होगा बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन 4 साल का कोर्स होता है। ये अगर आपने कर रखा है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो पीटी टीचर बनने के लिए, स्पोर्ट्स टीचर बनने के लिए। हाँ, आपकी फिजिकल फिटनेस भी आपकी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फिजिकली आप फिट हो, ठीक है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप टीचर बनने के लिए, फिजिकल एजुकेशन या टीचर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, आपने BBED कर रखा होना चाहिए यानी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन कर रखा होना। जस्ट अगर आपने यही कर रखा है तो आप टीचर बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। आप फिजिकल एजुकेशन यानी स्पोर्ट्स टीचर बनने के लिए पूरी तरह से 100% एलिजिबल हो। मान लो अगर किसी बच्चे ने BBED नहीं कर रखा, यानी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन नहीं कर रखा, तो उसके लिए दूसरा क्राइटेरिया क्या है, और उसने बैचलर इन साइंस कर रखा है, अगर उसने बैचलर इन साइंस कर रखा है, वो भी किसमें, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड में, और उसमें साथ ही साथ डिग्री इन स्पोर्ट्स में, हेल्थ इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के अंदर उसने बैचलर इन साइंस कर रखा है और उसमें मिनिमम 55% मार्क्स है, तो वो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स टीचर बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। यानी कि अगर आपने 4 साल का BBED का कोर्स नहीं कर रखा है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन का कोर्स नहीं कर रखा है, तो उस केस में आप दूसरा भी अगर आपने कोर्स कर रखा है, दैट इज 3 ईयर्स का बैचलर इन साइंस होता है, BSc होता है, जो कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डिग्री इन स्पोर्ट्स होता है, और इसमें अगर आपने 55% मार्क्स ऑब्टेन कर रखे हैं, तो भी आप
जो फिजिकल एजुकेशन है उसके टीचर बनने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि या तो आपने बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन का रखा होना। अच्छा, ध्यान रखना बीपीएड को पहले ना बीपीई के नाम से भी जाना जाता था, तो चाहे आप उसे बीपीई बोलो यानी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन बोलो या बीपीएड बोलो यानी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, तो भी एक ही बात है, ठीक है। यानी बीपीएड बोलो या बीपीई बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो यानी कि आपने बीपीएड का रखा होना चाहिए या तो आपने बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड डिग्री इन स्पोर्ट्स का रखा होना चाहिए। मान लो अगर इनमें से अगर आपने कुछ और कुछ भी नहीं कर रखा, तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है, आपने जो इंटीग्रेटेड बीपीएड का कोर्स होता है जो कि 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स होता है, अगर आपने वो भी कर रखा है और इसमें 50% मार्क्स है, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। या ये जो बीपीएड का कोर्स है ना, बीपी जिसे पहले कहते थे, ये ना पहले 3 साल का होता था, तो अगर आपने पहले वाला जो कोर्स कर रखा है जो 2002 से पहले होता था, तो अगर वो वाला भी कोर्स अगर आपने कर रखा है जिसमें 3 साल का आपने बीपीएड का कोर्स कर रखा है, तो भी आप जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर है, उससे बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर इनमें से कोई भी अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, चाहे आपने बीपीएड का रखा होना चाहिए या बीपीएससी का रखा होना चाहिए या जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड होता है या 3 ईयर का जो बीपीई होता है, इनमें से कोई भी अगर आपने कोर्स कर रखा है, तो आप 100% एलिजिबल हो फिजिकल एजुकेशन यानी स्पोर्ट्स टीचर बनने के लिए। बस यहाँ पे एक क्राइटेरिया और आपको ऐड करना पड़ेगा, फिजिकली फिट होने चाहिए, ठीक है। अगर आप फिजिकली फिट हो तो ही आप एलिजिबल होगे, अदरवाइज ये सारे क्राइटेरिया रखने के बाद भी आप एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि अगर आपको पता हो तो आपका एक रिटन एग्जाम होता है, उसके अलावा आपका फिटनेस टेस्ट भी होता है इसके अंदर। तो ये दोनों चीज़ें आपको पास करनी होती है। चलो आप एग्जाम अपनी नॉलेज से पास कर लोगे, लेकिन फिटनेस जो टेस्ट होता है वो कैसे पास करोगे, उसके लिए आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है। और एक और चीज़ होता है यहाँ पे काफ़ी हद तक देखा जाता है, प्राइवेट स्कूल की मैं बात करूँ, प्राइवेट स्कूल में ये देखा जाता है इन डिग्री के अलावा अगर आपने कुछ स्पोर्ट्स के अंदर अगर आपने अचीव कर रखा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो अगर आपने स्पोर्ट्स के अंदर कुछ अचीव कर रखा है प्लस अगर ये आपने डिग्री कर रखी इनमें से कुछ भी कर रखा है, तो आप 100% एक फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो, और आपके बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि आप इजिली एक फिजिकल एजुकेशन के स्पोर्ट्स टीचर बन सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको स्पोर्ट्स टीचर के तौर पे अगर आपको अपना करियर बनाना है, ठीक है, आपको पी जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनना है, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।